हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। देखिए, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, राइट? दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना कि ब्रांचेस क्या क्या हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या, हम इसमें पढ़ते क्या हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, ये सब कुछ चीज़ें। आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यूनिवर्स एक्चुअल में बना कैसे, कहाँ से एकदम यूनिवर्स बन गया, इससे पहले क्या था। तो देखिए, इसके लिए तीन थ्योरीज बताई गई हैं, ठीक है। पहली है बिग बैंग थ्योरी, सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर आती है पल्सेटिंग और ऑसिलेटिंग थ्योरी, और थर्ड आती है स्टेडी स्टेट थ्योरी। बस इन तीन थ्योरीज को हमें पढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठा लें और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, राइट? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्या मतलब है इसका। तो तीनों थ्योरीज बताती हैं कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना, या फिर कुछ ना कुछ फीचर यूनिवर्स का बताती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। सो द बिग बैंग थ्योरी इज हाउ एस्ट्रोनॉमर्स एक्सप्लेन द वे द यूनिवर्स बिगेन। अब जो बिग बैंग थ्योरी है, एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉमर्स ये बताते हैं कि यूनिवर्स बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई। अब इस थ्योरी का आइडिया ये है कि स्टार्टिंग में एक सिंगल पॉइंट था, एक पॉइंट था, उससे क्या हुआ, इट देन एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेच्ड टू ग्रो एज लार्ज एज इट इज़ राइट नाउ। फिर उसका धीरे धीरे एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन समझते हैं, अब फैलाव स्टार्ट हुआ, एक हल्का सा पॉइंट था, इस तरह से फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब फैलते फैलते कितना बड़ा हो गया है आज आप देख ही सकते हैं, अर्थ बन गया है, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी की तरह और कितनी गैलेक्सी हैं जो हमारे यूनिवर्स में है। तो अब देखिए, छोटा सा पॉइंट कितनी बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो गया है एंड इज स्टिल स्ट्रेचिंग, और ये अभी भी फैल रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि पहले एक छोटा सा पॉइंट था, उसके बाद एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, वो फैलता गया और आज इतने बड़ा यूनिवर्स बन गया है, ठीक है। अब ये चीज़, ये थ्योरी, ये कंसेप्ट, ये आइडिया किसने दिया, जॉर्ज लेमेटर ने दिया था। ये कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। 1927 में इन्होंने क्या कहा, ही इवेल्युएटेड दैट 15 बिलियन ईयर्स अगो। अब किसने, हम जॉर्ज लेमेटर की बात कर रहे हैं जो कि बेल्जियम के थे। इन्होंने 1927 में बताया कि 15 बिलियन साल पहले क्या हुआ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये बताया कि जो कॉस्मिक मैटर है, यूनिवर्स मतलब जो यूनिवर्स है पूरा का पूरा कॉस्मिक मैटर है, एक्सट्रीमली कॉम्प्रेस्ड स्टेट, बहुत ही कॉम्प्रेस्ड, बिल्कुल ऐसे कॉम्प्रेस्ड स्टेट में था, फिर धीरे धीरे इस तरह से फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो कॉस्मिक मैटर था, ठीक है, यानी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्रेस्ड स्टेट में था। देन एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन स्टार्टेड बाय अ प्रीमॉर्डियल एक्सप्लोजन, एकदम से ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट हुआ जैसे ऐसे कॉम्प्रेस्ड स्टेट में था, एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो फैलना 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 स्टार्ट कर अभी तक फैल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक वर्ड यूज हुआ, एक्सप्लोजन तो हमें पता है ब्लास्ट टाइप है ना, प्रीमॉर्डियल क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, मतलब एक्सप्लोजन जो है ये बिल्कुल बिगिनिंग में ही हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है, हॉट डेंस स्टेट देन कूलिंग एंड एक्सपेंडिंग एवर सिंस। इसका मतलब है कि जो हमने पढ़ा ना, ये चीज़ की सिंगल पॉइंट था, कॉम्प्रेस्ड स्टेट में था, तो जिस टाइम ये सिंगल पॉइंट था और कॉम्प्रेस्ड स्टेट में था, उस टाइम पे बिल्कुल हॉट था, गर्म था, बिल्कुल भारी डेंस स्टेट में था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ, एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, आज टेम्परेचर ऐसा हो गया है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमने पढ़ ली बिग बैंग थ्योरी। अब आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी यही है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने बाकी की दो पढ़नी है वो आप देख सकते हैं, एक है पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग थ्योरी और एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है, वहाँ पर मैंने परचेजिंग लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो भी सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं उन्हीं के नोट्स मिलेंगे। अभी इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं पढ़ा रही हूँ तो इन दो सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बार बार मैं ये देखती हूँ कि कैंडिडेट्स सेम क्वेश्चन करते हैं, मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी ही चाहिए, मैम इकोनॉमिक्स ही चाहिए। अरे अभी नोट्स ही नहीं बने हैं, अभी तो मैं वीडियोज़ पढ़ा रही हूँ, अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है, तो नोट्स कैसे बने होंगे, है ना।
तो जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, मिडिवल इंडिया है, नेशनल मूवमेंट है, इन चार के आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्लस इन चार के अब फिर ये क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे। तो टॉपिक्स का देखिए ऐसा है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से जाइए, मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। किसी भी प्लेलिस्ट जो आपको नोट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको इंडियन पॉलिटी के नोट्स चाहिए, तो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, सारी की सारी वीडियोस आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। तो जो नोट्स आपको वीडियोस में दिख रहे हैं, बस उन्हीं नोट्स की मैंने पीडीएफ फॉर्म बनाकर आपको देनी है, एंड आपको ये परचेज करनी पड़ेंगी। प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, राइट। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, हमारा थोड़ा हम भटक गए अपने टॉपिक से, हम थ्योरीज की बात कर रहे थे, हम इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहे थे कि यूनिवर्स कैसे बना, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें सेकेंड थ्योरी आती है आपकी पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग थ्योरी। ऑसिलेटिंग क्या होती है? सेम सेम बार रिपीट होना, ऑसिलेट करना, इधर से इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। अपने पेंडुलम में देखा होगा, पढ़ा होगा साइंस में फिर कभी। तो चलिए ये थ्योरी हमें क्या बताती है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट यूनिवर्स पीरियोडिकली एक्सपेंड्स फ्रॉम द एक्सप्लोजन, देन कॉन्ट्रैक्ट्स बैक एंड एक्सप्लोर्स अगेन ओवर लॉन्ग साइकिल्स। ये बताता है कि देखिए अब एक्सपेंशन तो हो गया, अब हमारे यूनिवर्स जो है वो बहुत ऐसे फैल गया है, लेकिन अभी भी क्या होता है, कई बार हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कई बार एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। तो ये जो है चलता ही रहता है, अप टू इन्फिनिटी ये चीज़ चलती रहती है। कैसे याद रखना है, पल्सेटिंग ऑसिलेशन का मतलब क्या है, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ओवर लॉन्ग साइकिल्स चलता रहेगा, बस इतना सा याद करना है, ठीक है ना। तो थर्ड थ्योरी जो हमें पढ़नी है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या बोलती है, दैट ऑल्दो द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, हमने जाना कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, ऐसी कॉम्प्रेस्ड स्टेट में था, उसके बाद फैल टूटा, ब्लास्ट हुआ, फैल रहा है और फैल ही रहा है। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, यूनिवर्स हाँ फैल रहा है, ठीक है, बट इट डजंट चेंज इट्स अपीयरेंस ओवर टाइम। बट इसकी जो शेप है, जो अपीयरेंस है, जो इसकी लुक है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसी लुक इसकी पहले थी, फॉर एग्जांपल अगर पहले स्पाइरल थी तो अभी भी स्पाइरल है, पहले स्केयर थी तो अभी भी स्केयर है, मतलब जो इसकी अपीयरेंस थी वो सेम है एज इट इज़, दैट इज़ इट हैज़ नो बिगनिंग नो एंड, ना इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई एंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए ये जो अब पहले क्या होता था ना, बड़े मोटे से क्वेश्चंस आते थे कि बिग बैंग थ्योरी किसने दे दी जी, है ना, तो ये हमने पढ़े होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप देखेंगे आसपास अपनी फैमिली में, देखेंगे कितने सारे आपके कजन्स होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपटीशन कितना बढ़ गया। तो अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आते कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी जी, जॉर्ज लेमेटर ने दी, कब दी जी, 1927 में दी, कहाँ के थे, बेल्जियम के, नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से आ सकता है कि जिस टाइम जो है हमारी अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं, हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट था, तो वो किस स्टेट में था, वो हॉट डेंस स्टेट में था। तो फैलना एक्सपेंशन कब से स्टार्ट हुआ, जब प्रीमॉडल एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में था या एक्सपेंडेड फॉर्म में था, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में था। तो इस तरह के क्वेश्चन सब बनेंगे। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। तो जैसे बिग बैंग थ्योरी आता है, जिसमें अपने मेन मेन पॉइंट्स दैट के, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना ना जैसे मैंने लिखा है, तो कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, मोटे मोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप बार बार, जो आपको बार बार दिमाग में डालनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक बार मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ आ गया, ठीक है, अब दूसरी बार थोड़ी आप मेरी वीडियो देखेंगे समझने के लिए, दूसरी बार आप चाहेंगे कि कहीं आपको रिटर्न मिल जाता, तो उसके लिए खुद से नोट्स बनाएं। बिग बैंग थ्योरी लिखा, फिर लिखा द वे द यूनिवर्स बिगेन, मतलब बिग बैंग थ्योरी के क्या बताती है कि यूनिवर्स बना कैसे, स्टार्टिंग कैसी हुई। फिर सिंगल पॉइंट लिख दिया, एक्सपेंडेड, स्ट्रेचिंग, ये वर्ड्स लिखने, क्योंकि जब पेपर होते हैं ना वो मोटे मोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन, स्ट्रेच कैसे हुआ, जॉर्ज लेमेटर, ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही पड़ेगा। कॉस्मिक मैटर है यूनिवर्स में, कॉम्प्रेस्ड स्टेट में था, फिर एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, आज हम देख सकते हैं, आज भी स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, जैसे पल्सेटिंग और ये थ्योरी है आपकी, पल्सेटिंग थ्योरी है, ये आपने कैसे लिखनी है। अगर आपने जैसे मैंने लिखा है ऐसे पूरी पूरी लाइन लिखनी है, लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखूंगी, क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं कि मैम ढंग से नहीं मिल रहा, शॉर्ट नोट्स हैं, तो देखिए नोट्स तो शॉर्ट ही होंगे, आपको पूरी लाइन्स नहीं मिलेंगी, बट इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी हेडिंग डाला, इसमें लिख दिया एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ओवर लॉन्ग साइकिल्स रेपिटेशन, मतलब एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, बार बार रिपीट होगा, बस। स्टेडी स्टेट थ्योरी में लिख दिया दैट इट डजंट चेंज इट्स अपीयरेंस ओवर टाइम, मतलब ये जिसकी जैसी इसकी अपीयरेंस है, जैसे इसकी लुक है, जैसे इसकी शक्ल है, वैसे की वैसी रह रही है, ठीक है। तो अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं, ठीक है।
एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मुझे इस वीडियो को ज़्यादा अच्छा प्यार मिलेगा, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, तो ही मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, इन वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज फिर हम फोकस करेंगे वन एंड ओनली इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बट अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो के लिए अच्छा रहता है, आप लोग सच में इन वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं तभी अपलोड करूंगी, अदरवाइज इकोनॉमिक्स ही अपलोड करूंगी। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। राइट, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।